दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख सकते हैं आज चक्का जाम में उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है, लेकिन जो है रोक दिया किसानों ने, पुलिस की गाड़ी किसानों ने रोक दिया, वापस गाड़ी को भेजा जा रहा है कि गाड़ी नहीं निकलेगी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ये गाड़ी जिसको किसानों ने रोक दिया है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 9 PM पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी, पुलिस के जवान गाड़ी के अंदर है, गाड़ी को रोक दिया, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को सीधी तस्वीरें सबसे पहले 9 PM पर शेयर कीजिए। देखिए पुलिस की गाड़ी को, उत्तर प्रदेश की गाड़ी हाईवे 44 पर कैसे पहुंची, रोक दिया गाड़ी को, नहीं जाने दिया जा रहा किसानों ने, पहले ऐलान किया था। दोबारा अपने मिलिट्री का जवान जिस और भी आपका नजर जाएगी वहां आपको वाहन वाहन नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इधर किसानों की जो गाड़ियां ट्रैक्टर वो भी खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कैसे किसानों के खड़े हुए आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जाम में थे, बड़े बड़े वाहन जाम में थे, वो अब चलना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं आज का जो जाम था 100% सक्सेस रहा। और इसी के साथ जो एम्बुलेंस की या स्कूल की गाड़ियां यहां पर स्कूल को बच्चों को लेकर या स्टाफ को लेकर यहां पर पहुंची थी, उनको जरूर यहां से रास्ता दिया गया था। दे रहे हैं, देख रहे हैं बसाड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोगों ने जो जाम था उसको खोल दिया गया, जाम पूरी तरह कामयाब रहा। आप देख सकते हैं कि कितनी बसें यहाँ लाइन पर लगी हुई थी और लोग यहीं पर वो डटे हुए थे, उन लोगों ने भी, आम लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसानों का यहाँ धरना जो चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, जाम चल रहा था, उसमें आकर जरूर साथ दिया है। खबर हमारे पास नहीं,